आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। पेट्रोल डीजल को एक बार फिर जीएसटी के दायरे मिलाने की बात शुरू हो गई है और अगर पेट्रोल को जीएसटी के दायरे मिलाया जाता है तो पेट्रोल 25 रुपए तक सस्ता हो सकता है। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। इन दिनों दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल पर 5.56 रुपए वेट और एक्साइज ड्यूटी के तौर पर चुकाए जाते हैं। इसके अलावा औसतन डीलर का कमीशन 3.57 रुपए प्रति लीटर और डीलर कमीशन पर वेट 15.58 रुपए प्रति लीटर होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जितनी पेट्रोल की कीमत होती है उतना ही उस पर टैक्स लगना होता है, क्योंकि कच्चा तेल खरीदने के बाद रिफाइनरी में लाया जाता है और फिर वहां से ये पेट्रोल डीजल की शक्ल में बाहर आता है। इसके बाद उस पर टैक्स लगना शुरू होता है। सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाती है और इसके बाद राज्यों की बारी आती है और इन्हीं टैक्स को सेल्स टैक्स या वेट कहा जाता है। पेट्रोल पंप डीलर बीच में अपना कमीशन भी जोड़ते हैं और उत्पाद शुल्क भी अलग से लगाया जाता है। ऐसे में जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हैं तो राज्यों की कमाई बढ़ जाती है, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो आम लोगों को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल आ जाएंगे तो इनकी कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है और कीमतों में गिरावट आ जाने की वजह से केंद्र सरकार को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर टैक्स ना लगेगा तो पेट्रोल के दाम काफ़ी नीचे आ सकते हैं और ये बताया जा रहा है कि जीएसटी के दायरे में लाने के बाद पेट्रोल और डीजल लगभग 25 रुपए तक सस्ता हो सकता है, जिससे आम लोगों की जेब को तो मुनाफा होगा और उन्हें खर्च से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन शायद पेट्रोल और डीजल का जीएसटी के दायरे में आना केंद्र सरकार को भारी पड़ सकता है और केंद्र सरकार को इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुछ भी हो, आम लोगों का तो इसमें फ़ायदा है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.